हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी जो वैकेंसी है वो नर्सिंग वालों के लिए है, और नर्सिंग वालों के लिए चार बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है चार जगह से निकल कर आई हुई है और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है। तो आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे कार्यालय मुख्य कार्यालयीन अधिकारी एवं अधिष्ठा शासन चिकित्सा महाविद्यालय सहडो, यहाँ पे जो DNM नर्सिंग कंप्लीट किया है, BSc नर्सिंग कंप्लीट किया है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा एक एक चीज़ बताऊँगी आपको कि पेमेंट कितना मिलेगा, एक्सपीरियंस कितना है, किसमें नहीं है। और चार गुड न्यूज़ है, चार आप लोग के लिए वैकेंसी है, चार जगह से अलग अलग जगह से निकल कर आई हुई है। तो मैं एक एक को बताने वाली हूँ आपको। और रही बात की अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का रेड कलर का लिखा होगा आपको वीडियो के नीचे, उसको दबाना है। फिर उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना है, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड CHO की वैकेंसी हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी आपको मिल सके। लैब टेक्नीशियन, MBBS, सारा मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल का वैकेंसी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है शहडोल से आया हुआ है ये वैकेंसी जो है, ठीक है। और कब रिलीज हुआ है, 18 मई को आ गया है ये। फिर यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 27 मई को है, लास्ट डेट जो है 15 जून को है। आवेदन में अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको सुधार सकते हैं 13 जून से 16 जून तक के। और जो एग्ज़ाम डेट है वो 30 जुलाई तक के होंगे, आपके ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होंगे मे बी। देखते हैं आगे वीडियो में क्या लिखा है। परीक्षा संबंधी आपत्ति दर्ज करने की तिथि, अगर कोई भी आपत्ति रहे आपको तो यहाँ पे 12 जुलाई से 14 जुलाई तक आप आपत्ति कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क, आपको 11,000 रुपये लगेंगे अनारक्षित को, और 1,000 रुपये OBC को, और जो है 900 रुपये ST SC को लगेंगे यहाँ पे। फिर क्या क्या चाहिए आपको, उनका जो है जो पंजीकरण होना चाहिए यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो है वोटर ID, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ होनी चाहिए आपके पास वेरिफिकेशन के लिए। फिर देखते हैं आगे, और यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा नोटिफिकेशन दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे करना है उसको। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा जो है वो लिंक है MP ऑनलाइन, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे कितने सारे पोस्ट हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल 188 पोस्ट है, ठीक है, 188 इतने सारे पोस्ट हैं। और जो है यहाँ पे सारे कैटेगरी वालों के लिए पोस्ट है। फिर सीधी भर्ती संविदा कर्मचारी, संविदा पे है ये पोस्ट जो है, और यहाँ पे 50 50 जो पोस्ट है वो सीधी भर्ती होंगे, ठीक है, सीधी भर्ती होंगे। और 20 पोस्ट जो है 20% जो है संविदा पे रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या शैक्षणिक, देखिए ये जो है स्टाफ नर्स का ही पोस्ट है, केवल और केवल स्टाफ नर्स का, और एज जो है 18 वर्ष से अधिक वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है 12th में आपने PCB से किया है तो, और BSc नर्सिंग, JNM नर्सिंग कंप्लीट किया है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ पर देखिए आपका पेमेंट तो सुन के दोस्त खुश हो जाओगे आप, यहाँ पर जो पेमेंट है 5,200 से 20,200 तक प्लस 2,800 रुपये आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट है टोटल माना जाए तो 23-24 हज़ार तक के बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूनतम जो वेतन है 28,700 रुपये पर मंथ लिखा है, और जो एज है वो 65 ईयर्स तक के लास्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी और अलग अलग जो नियम शर्तें लागू लिखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जो आरक्षण है वहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति पे 20%, अनुसूचित जाति पे 60%, अन्य पिछड़ा वर्ग पे 27%, और आर्थिक रूप से कमज़ोर पर 10% जो है लागू रहेंगे। फिर आगे देखते हैं कि इसका जो लास्ट डेट मैंने पहले ही बताया आपको 16 जून है। फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना रहे। और आवेदन आपको कैसे करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए
टेंथ सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो और जो है सिग्नेचर लगेंगे, और जाति प्रमाण पत्र लगेंगे। इतने सारी चीज़ आपको लगेंगे। और कोई भी डाउट रहे तो आप कोई आप ये जो नंबर दिए हैं इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो फाइल है, जो PDF बनाएंगे आप अपने डॉक्यूमेंट का, वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रही फ्रेंड्स पूरा डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो 188 पोस्ट है नर्सेस के लिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत पेमेंट तो बहुत ही अच्छा है, 28,700 तक का पेमेंट है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट गुड न्यूज़ की ओर, जो आपके लिए और है। तो फ्रेंड्स ये रही वो सेकंड गुड न्यूज़, ये जो है महाविद्यालय बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर से आई हुई है। यहाँ पे भी देखिए नर्सिंग का ही पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी नर्सेस लोगों के लिए ही वैकेंसी, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो नोटिफिकेशन वो 11 मई से आ गई है। स्टाफ नर्स के लिए ही यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे ये जो लास्ट डेट आपको 9 जून को है, रात्रि 12 बजे तक इसको ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं आप। ये रही वो वेबसाइट जहाँ से अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं पूरा डिटेल बताती हूँ। ये जो वैकेंसी है वो टोटल यहाँ पे 98 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जिन्होंने PCB 12th कंप्लीट किया है, और जो BSc नर्सिंग, JNM नर्सिंग किए हैं, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए वेतन जो है 28,700 रुपीज़ है, यानी कि बहुत अच्छा वेतन है। फिर देखिए कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो है एज रिलैक्सेशन जो है 28 वर्ष 1 जनवरी के 2021 के अकॉर्डिंग 18 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 18 के बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसको आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के यहाँ पे अप्लाई करना, ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना रहे। फिर देखिए ये जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का वेबसाइट है। फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12th सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेंगे। और फिर आगे ही देखते हैं कि आवेदन शुल्क आपको देखिए ST जो अनारक्षित हैं और OBC हैं उनको 1400 रुपये, ST SC को 1200 रुपये यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। फिर आपकी लिखित एग्ज़ाम होंगे, लिखित एग्ज़ाम कैसे होंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन होगा, 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे उसमें, और कोई ऋणात्मक मार्क्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट ईयर से जो 4th ईयर का नर्सिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसी से ही रिलेटेड आपका जो है एग्ज़ाम होगा, उसी में से ही आपका क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 100 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पे देखिए आवेदन को सबमिट करने से रिलेटेड दिया गया है कि 21 मई से स्टार्ट होंगे, 9 जून को लास्ट होंगे, और 8 जून को, अगर 8 जून तक आपके पास टाइम है, 8 से 10 जून तक का, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक रहे तो आप सुधार सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, 12th के 10th की मार्कशीट लगेंगी, और डिग्री डिप्लोमा, और जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो लगेंगे, ठीक है। 10th 12th का लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, और पहचान आधार कार्ड वगैरह लगेंगे। तो आपका जो फॉर्म है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, आप ये PDF को डाउनलोड करके एक एक चीज़ पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथोराइज क्योस्क क्लिक लिस्ट लिंक लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, कितना होना चाहिए, 200 KB, ठीक है, JPG में 200 KB का आपका PDF होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। फिर यहाँ से पूरा सबमिट बटन करना है, प्रोसीड टू पेमेंट में जाना है, पेमेंट का ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे क्लिक करना है आपको, पेमेंट भरना है आपको गूगल पे, फ़ोनपे या ATM के थ्रू। फिर देखिए ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट निकला के आपको पूरा पेंसिल से भरना है, फिर इसका फ़ोटो खींच के आपको उस जो एप्लीकेशन है उसमें डालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही मैंने पूरे डिटेल बता दी, ये हमारी सेकंड गुड न्यूज़ थी। बाकी 2 गुड न्यूज़ मेरे दूसरे वीडियो पे देखिएगा आप, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, 2 गुड न्यूज़ और है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, चैनल को के साथ बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको ऐसी नई नई और नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।